नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी पे जेवरात की चोरी, 50,000 रुपये की नकदी राशि, आधी किलो चांदी, 2 तोला सोना सहित अन्य सामान की चोरों ने रात्रि में की है चोरी। घर पर पहुंचने पर पता चला है चोरी की वारदात का। छत के रास्ते घर में घुसकर दिया था चोरी की वारदात को अंजाम। मकान के अंदर अलग अलग 4 कमरों के तोड़े हैं ताले। चौकी प्रभारी भगवत सिंह ASI जगराम पुलिस जाप्ते के साथ पहुंचे हैं मौके पर और मामले की गहनता से कर रहे हैं जांच। कामा कस्बा के देवी गेट निवासी अमित शर्मा के मकान में चोरों ने दिया है चोरी की वारदात को अंजाम। वहीं चोरी की वारदात के बाद मौके पर लगी हुई है लोगों की भीड़। कामा कस्बा में आए दिन बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं कामा कस्बा में 3 दिन पहले भी 2 मकानों में चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं एक कबाड़े के गोदाम में भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद लोगों में पुलिस के प्रति काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोग सवाल या निशान उठा रहे हैं। वहीं कामा कस्बा में देखना है कि अभी हुई चोरियों की वारदातों का पुलिस खुलासा कर पाती है या ऐसा ही चलता रहेगा। 50,000 तो कैश था और आधा किलो चांदी और दो तोला करीब सोना था और कुछ बर्तन वर्तन सामान ये चोरी हुआ रात्रि में। हाँ, रात्रि में चोरी हुई थी। और दिन तो सोते थे, कल ही नहीं सोए थे। जी सोते हैं हमारी, वो कल ही नहीं गई थी, पता नहीं क्यों लेट हो गई, वो कल ही कर दिया चोरी। अज्ञात चोर है। हाँ, अज्ञात, हमें कोई जानकारी नहीं किसी।